TV24 में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। बता दें 2016 से 2022 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भगवंत मान के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, जिसके तहत अब पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें ओपी सोनी को अमृतसर की अदालत में पेश किया जाएगा सोमवार को। ओपी सोनी चन्नी सरकार में डिप्टी सीएम थे। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगभग 4,52,00,000 रुपए समथिंग जो है वो ओपी सोनी की आय थी, जबकि उनका खर्च 12,48,00,000 रुपए था, जिसके चलते इतना डिफरेंस होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ओपी सोनी ने अपनी पत्नी सुमन सोनी और बेटे राघव सोनी के नाम पर संपत्तियां भी खरीदी हैं, जिसकी भी जांच की जाएगी। वहीं विजिलेंस ने आज मुकदमा दर्ज करके ओपी सोनी जो डिप्टी सीएम रहे हैं चन्नी सरकार में, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।